क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला परफॉर्मेंस था ना इन बच्चों का। हमने गुजरात की नवरात्रि तो मना ली और आप सबको मजा भी आया होगा, तो तालियां बजनी क्यों बंद हो गई? हो जाए जोरदार तालियां। तो अगले त्योहार की ओर बढ़ने से पहले कृषा आप सबको एक श्लोक सुनाना चाहेगी। हाँ जरूर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्या आप सबने ये त्योहार का मजा लिया है? क्या आप सबको पता है कि ये श्लोक कौन से त्योहार का है? हाँ, ये बंगाल में मनाई जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा है। और ये उत्सव अश्विन मासेर अष्टमीते मनाना है। ए जानेन एके दुर्गा अष्टमी ये बोला है। अरे प्रिंसी, तुम्हें बंगाली आता है, मुझे भी बंगाली आता है, लेकिन हमारी ऑडियंस को थोड़ी ना आता है, इनको इसका मतलब तो समझाओ। अरे मतलब कि ये त्योहार अश्विन मास की अष्टमी को मनाया जाता है, इसलिए इसे दुर्गा अष्टमी कहते हैं। खूब भालो, तुम ये उत्सव संबंधे आने की चुजानो और एक श्लोक कुंदा बोलो तो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पर हम ये त्योहार बंगाल में देखने तो नहीं जा सकते, इसलिए आज हम ये त्योहार बंगाल की बजाय CES में ही मनाएंगे। तो चलिए बुलाते हैं 3rd C क्लास के बच्चों को, आप सबको बंगाल घुमाने अपना गाना लेकर। धक बजा कशर बजा उलू दियर शक बजा, लेट्स एंजॉय देयर परफॉर्मेंस। बाजा उल्लू दे आर शाख बाजा, बछर परे आबार एलो माजे।